अच्छे अच्छे कार्य के लिए सभी अच्छी आत्माओं का एक ग्रुप बनना और उसमें कोई संत जैसे आत्मा का हमें सानिध्य प्राप्त होना, यह हमारे लिए वाकई में सौभाग्य की बात है। मैं कहना चाहूंगा श्री महंत जी को कुछ बताइए। जय श्री राम, आप सभी को नमस्कार। देखिए, पाटिल साहब का बड़ापन है कि वो इस तरह से मुझे बतिया रहे हैं, वरना 3 दिनों के लिए हमने आपको गुरु धारण कर रखा है, तो फिलहाल हम आपके शिष्य हैं। और ये जब प्रारब्ध के पूर्ण जागृत होते हैं तब व्यक्ति इस तरह की उच्च कोटि की गूढ़ विद्याओं के समागम में शामिल हो पाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने प्रयास किया, आपका प्रयास काम नहीं आया, ये आपके प्रारब्ध का पूर्ण जागृत हुआ और हम आज नहीं मिले हुए। हम पिछले जन्मों में हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरुकुल में साथ रहे हुए हैं। आकाश तत्व तो हमें समय के साथ वापस मिलाता है और जो भी व्यक्ति ज्योतिष वास्तु तंत्र मंत्र यंत्र टैरो जो जिस प्रकार की रमणीय विद्याएं होती है, चाहे हिप्नोटिज्म मैग्नेटिज्म, इस तरह की मेरे भी ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी थी, ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति किसी न किसी जन्म में सिद्ध होता है, संत होता है, साधक होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपसे डिफरेंट हूँ, ठीक है, मैं गद्दी पर बैठा हूँ, रामानंदी वैष्णव पीठ पर बैठा हूँ, वो इस जन्म का कोई मेरे पिछले जन्म का पुण्य होगा, इतना योग्य मैं अपने आप को नहीं समझता, आप जैसा ही मैं मेरे को समझता हूँ। और मैं पाटिल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने वीडियो में दिखाया था वैसा इन्होंने करके भी दिखाया, और ये बहुत ही उच्च कोटि की भारतीय ऋषि परंपरा की विद्या है जो विदेश में जाके फली फूली और ये वापस उसको सनातन धर्म में वापस ला रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को जो है लाभान्वित कर रहे हैं। उसके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा और भी लोगों को कि इस तरह की गूढ़ विद्याएं आपको सीखनी चाहिए जिससे कि आपका आपकी आत्मा पर जो कलमश है, जो मैल है, जो दूसरी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हटेगी। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा, कुछ समय बाद में आपको शब्द के माध्यम से ये चीजें पता चलेगी, एक लंबे समय के बाद में जब आप इस विद्या का अभ्यास करेंगे। मैं 15 साल से इस तरह की यंत्र मंत्र तंत्र जो भी जितनी भी गूढ़ और गहरी से गहरी विद्या होती है उसका प्रैक्टिशनर हूँ। इस विषय पर अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इनका विद्यार्थी हूँ। जय श्री राम, प्रणाम। समय निकाल के